उसमें ये दर्शाया गया है कि पहले राम मंदिर का जो अस्तित्व था वो कैसे था, और आपका क्या संदेश देने की कोशिश है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि श्री राम मंदिर हम लोगों के आस्था का विषय रहा है, और निश्चित रूप से जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कुशल मार्गदर्शन में और कुशल पैरवी के कारण ही, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैरवी लगातार हुई है, इसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी यह निर्णय दिया और जिसके चलते वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये बैनर ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं करता है। हमारी जो पहले से ही हमारा मानना था, हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि रामलला को हम टेंट से निकालकर और भव्य राम मंदिर में बैठाएंगे, उसी को हमने दिया था कि चुनाव के पहले जब हम चुनाव में गए थे पिछली बार 2017 में, उस वक्त की क्या अयोध्या की स्थिति थी, और आने वाले 2022 में जब हम चुनाव में जा रहे हैं उस समय हमने जो वादा किया था उसको किस तरीके से पूरा किया है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ती है, और शायद यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे अरोबी हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे बड़ी बड़ी सड़कें हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने को तैयार है, ये सारी चीज़ें विकास के नाम पर हम लोग सदैव चुनाव लड़ रहे हैं। मेडिकल के फील्ड में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है। मंदिर के नाम पर वोटरों को साधने की कोशिश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, चूँकि रामलला का मंदिर, इसके लिए तो आंदोलन हम लोग पहले से ही कर रहे थे। बस बात केवल इतनी सी है कि हमने अपने वादे को जो पूरा किया है उसको हम जनता के बीच में बता रहे हैं कि जो हमने सख्त पैरवी की, जो हम लोग लग के सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर बहस किए, उसी का नतीजा है कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर का है। तो हमने दिखाया है कि इसके पहले रामलला टेंट में थे, और जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। विपक्षियों का ये कहना है कि ये कोर्ट के निर्देश पर हुआ है, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है राम मंदिर का निर्माण, बीजेपी इसका श्रेय क्यों ले रही है? जी बिल्कुल, विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो यह विपक्ष ही है जो बार बार कहता था कि नहीं, इसमें जो है इतनी जल्दी क्या है, और रामलला पर डिसीजन और मंदिर के नाम पर डिसीजन क्यों होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस देखा जाएगा, आगे चलता रहेगा, टलता रहेगा। लेकिन हम लोगों ने पैरवी की, हम लोगों के वकीलों ने पैरवी की, इसलिए वहाँ इतनी जल्दी निर्णय आ चुका है। तो निश्चित रूप से यह तो विषय हमारा रामलला का हमारी आस्था से जुड़ा हुआ था। विपक्ष को केवल आरोप लगाना है, विपक्ष भयक्रांत है, उनको कोई ना कोई हार का बहाना ढूंढना है, उन्होंने धर्म को हार का बहाना ढूंढा है। थैंक यू।